गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं महान विचारक जॉन लॉक के बारे में। पिछले वीडियोज़ में हमने जॉन लॉक के जीवन परिचय, उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं, उसकी अध्ययन पद्धति एवं उसके प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का अध्ययन किया था। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अंतर्गत हमने देखा कि जॉन लॉक तीन प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। आज हम अध्ययन करेंगे जॉन लॉक के संपत्ति संबंधी विचारों का। लोक संपत्ति के दो रूप बताता है, प्राकृतिक संपत्ति और निजी संपत्ति। प्राकृतिक संपत्ति सभी मानवों की संपत्ति है और उस पर सभी का अधिकार है। प्राकृतिक साधनों के साथ मानव उसमें अपना श्रम मिलाकर उसे निजी संपत्ति बना लेता है। लोक ने संपत्ति के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि संपत्ति मानव को स्थान, शक्ति और व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करती है। लोक ने असीम संपत्ति संचित करने के अधिकार को उचित ठहराया है। व्यक्ति को प्रकृति से उतना ग्रहण करने का अधिकार है जितना नष्ट होने से पहले उसके जीवन के लिए उपयोगी हो। मनुष्य को संपत्ति संचित करने का तो अधिकार है, परंतु उसे बिगाड़ने, नष्ट करने या दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। लोक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से संपत्ति तो एकत्रित कर सकता है, परंतु प्राकृतिक कानून दूसरे व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण को स्वीकृति नहीं दे सकता। लोक का यह भी मानना है कि यदि किसी के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति हो तो उसे जन संपत्ति मान लेना चाहिए। लोक ने संपत्ति अर्जन में श्रम का महत्व स्पष्ट किया है। लोक के अनुसार मनुष्य का श्रम निस्संदेह उसकी अपनी चीज है और श्रम संपत्ति का सिर्फ निर्माण ही नहीं करता बल्कि उसके मूल्य को भी निर्धारित करता है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि किसी वस्तु का मूल्य एवं उपयोगिता उस पर लगाए गए श्रम के आधार पर ही निर्धारित हो सकती है। निजी संपत्ति के पक्ष में तर्क। लोक ने निजी संपत्ति को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के पक्ष में तर्क दिए हैं। पहला तर्क है, आरंभ में भूमि तथा इसके सारे फल प्रकृति द्वारा सारी मानव जाति को दिए गए थे। मानव को इनका प्रयोग करने से पहले इन्हें अपना बनाना है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी शारीरिक मेहनत तथा उसके हाथों का कार्य उनकी अपनी संपत्ति है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपनी अपनी मेहनत से जो लेते हैं वह उनकी निजी संपत्ति है, बशर्ते कि वह दूसरों के लिए काफ़ी छोड़ दे। संपत्ति पैदा करने के लिए किसी दूसरे की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह जीवित रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार लोक उपयुक्त तर्कों के आधार पर निजी संपत्ति को न्याय संगत ठहराते हैं। निजी संपत्ति के अधिकार पर सीमाएं। लोक निजी संपत्ति के अधिकार पर कुछ सीमाएं या बंधन लगाते हैं जो निम्न हैं। पहली सीमा है, किसी को संपत्ति नष्ट करने का अधिकार नहीं है। दूसरा है, संपत्ति को दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए। तीसरा, निजी संपत्ति वह है जिसे व्यक्ति ने अपना श्रम मिलाकर अर्जित किया है। लोक का कहना है कि व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना श्रम मिलाकर किसी भी प्राकृतिक वस्तु को अपना सकता है। चौथा है, आवश्यकता से ज़्यादा संचित संपत्ति जन संपत्ति मानी जा सकती है। निजी संपत्ति के अधिकार के निहितार्थ या उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। निजी संपत्ति शारीरिक श्रम व योग्यता से प्राप्त होती है। व्यक्ति का श्रम एक निजी वस्तु है, वह जब चाहे किसी को भी इसे बेच सकता है तथा दूसरा इसे खरीद सकता है।
निजी संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक है, निजी संपत्ति उत्पादन का आधार है। श्रम को खरीदने वाला श्रम का न्याय संगत स्वामी बन सकता है। निजी संपत्ति क्रय व विक्रय योग्य वस्तु है। निजी संपत्ति के अधिकार के बिना मानव जीवन का कोई आकर्षण नहीं है। समाज हित में निजी संपत्ति के अधिकार पर बंधन लगाया जा सकता है। निजी संपत्ति का अधिकार मेहनत को प्रोत्साहित करता है। तो आज हमने जोन लोग के संपत्ति संबंधी विचारों का अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।